हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर व्हाट आई ईट इन अ डे। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट मैंने खाए पोहे, उसके बाद फिर मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन हुआ तो मैंने बनाया चॉकलेट शेक। यू नो गाइस, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ ना कुछ ठंडा पीने का तो मन करता ही है, तो मैंने इंस्टेंटली मेरे लिए चॉकलेट शेक बनाया और मुझे तो ऐसा लगता है कि सालासर में कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी पड़ रही हो। तो बातों ही बातों में चॉकलेट शेक बनके हो गया रेडी, तो आओ आप भी पियो मेरे साथ। वाओ, वेरी यम्मी, गर्मियों में पीने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो आओ दोस्तों, अब मैं आपके साथ मेरा लंच शेयर करती हूँ। तो मैं आज लंच में खाई एक पराठा मैंगो जूस के साथ और एक चपाती जो है मैंने इस फली की सब्ज़ी के साथ खाई, और साथ में मैंने कर्ड भी खाया। तो ये था मेरा आज का लंच और ये था मेरा स्नैक्स। स्नैक्स में मैं आज खाई पिज़्ज़ा और ये इतना हेल्दी पिज़्ज़ा है कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल होममेड है और नो मैदा, नथिंग यूज्ड है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में भी ट्राई कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्योंकि डिनर का समय हो गया है। तो डिनर में आज हमने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी कुछ अलग स्टाइल में, तो आइए आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जो सब्ज़ी है वो विदाउट ऑयल के बनती है, तो हमें सबसे पहले जीरा को कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद फिर हमें ऑनियंस डालने हैं, कटिंग ऑनियंस महीन बारीक कटे हुए। फिर इसको भी अच्छे से अंदर सेकना है बहुत देर तक, कच्चापन नहीं रखना है बिल्कुल भी। और फिर जब अच्छे से ऑनियन फ्राई हो जाता है तो उसके बाद हमें टोमेटोस और ग्रीन चिली डालना है, और फिर ग्रीन चिली और टोमेटोस को भी डाल के अच्छे से अंदर सेक लेना है और कवर अप कर देना है थोड़ी देर के लिए। और जो रेगुलर मसाले हैं, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, वो सब डाल के अच्छे से सेकना है अंदर। और फिर जब अच्छे से सब्जियों का कच्चापन चला जाए तो फिर हमें कटिंग पनीर सब्ज़ी के अंदर डाल देना है। तो ये थी कुछ अलग ही अंदाज़ की सब्ज़ी जो कि बनके हो चुकी है रेडी। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं चावल। फिर राइस को मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर वॉश करने के बाद मैंने इसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद हमारा जो राइस है वो हो गया था रेडी। तो अब कर लेते हैं खाना सर्व क्योंकि बहुत भूख लग चुकी है इतनी यम्मी सब्ज़ी देख के। और इसी के साथ यहाँ पे मैं मेरे इस व्लॉग को फिनिश कर रही हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि काफ़ी जनों का कहना है कि मैं मेरे व्लॉग को थोड़ा सा और बड़ा करूं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं मेरे व्लॉग्स को थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।